तो गाइस एक्चुअल में Realme ने Android 14 के साथ Realme UI 5.0 में क्या क्या चेंजेस किए हैं। Realme UI 5.0, Oxygen OS 14, ColorOS 14 तीनों UI आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। हल्का फुल्का डिफरेंस होगा लेकिन ऑलमोस्ट तीनों UI का जो इंटरफेस है एंड जो इनके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं वो सब आप लोगों को सेम देखने को मिलते हैं। बाकी इस वीडियो को रीअपलोड किया है क्योंकि जो पिछले वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन हल्की सी चेंज हुई थी और उस चेंजेस की वजह से जो इन्फॉर्मेशन का मतलब था वो भी चेंज हो गया था। तो मैंने सोचा भाई आपके पास तो ट्रू इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, बस इसी कारण से उस वीडियो को डिलीट करके इस वीडियो को फिर से रीअपलोड किया है। तो ओप्पो ने तो भाई काफी सारे फोन के अंदर जो अपडेट्स हैं वो रिलीज कर दिए हैं और रियलमी ने भी इंडिया के अंदर जो एंड्रॉइड 14 की टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दिया है और ऑक्सीजन वॉस 14 के जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को बहुत पहले से मिलना स्टार्ट हो चुके थे। तो आज की वीडियो में हम लोग रियलमी UI 4.0 और रियलमी UI 5.0 का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे जो चीजें रियलमी UI 5.0 के अंदर नई ऐड हुई हैं उनको कंपेयर करेंगे रियलमी UI 4.0 से और एक्चुअल में देखेंगे भाई क्या कुछ नया ऐड हुआ है कि बस भाई सब ऐसे ही बोल रहे कि भाई ये नया आ गया वो नया आ गया। लेकिन मैं आपको इतना हिंट देता हूं भाई रियलमी UI 5.0 के अंदर कोई इतना बड़ा मेजर अपग्रेड जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो तो इंटरेस्टिंग होगी बट आपका एक काम अभी तक रह गया, अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो क्योंकि हम लोग 1 लाख की फैमिली के बहुत ही करीब हैं। आपकी हेल्प से हमारी 1 लाख की फैमिली पूरी हो जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने सब कुछ नोट करके रखा है कि इस पूरे कंपैरिजन में हम लोग क्या क्या चीजें चेक करेंगे। अब बात की जाए कंपैरिजन की तो राइट साइड में है Realme UI 5.0 और लेफ्ट साइड में है Realme UI 4.0। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं होम स्क्रीन का। अगर आप लोग दोनों फोन की जो होम स्क्रीन है वो चेक करोगे तो कोई मेजर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइकन पैक्स बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं बट हल्का सा जो विजुअल चेंजेस है वो आइकन के कलर्स में आपको देखने को मिलता है। Realme UI 5.0 में जो आइकन आपको देखने को मिलते हैं उनके कलर जो है वो आप लोगों को हल्के से सैचुरेटेड देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ ऐसा जो मेजर चेंजेस है वो आप लोगों को होम स्क्रीन के अंदर देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल सेम इंटरफेस जो है वो आप लोगों को होम स्क्रीन का देखने को मिलेगा। आपको दोनों में से कौन सी होम स्क्रीन पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों बात की जाए अगले चेंजेस के बारे में तो वो रहा नोटिफिकेशन पैनल का। और जब भी एक UI का कोई मेजर अपडेट आता है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो चेंज होता है। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आई थी कि Realme UI 5.0 के अंदर कुछ इस तरीके का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो देखने को मिलेगा और ऑक्सीजन OS 14, ColorOS 14 में भी इसी तरीके का नोटिफिकेशन पैनल जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ वो आपको बताऊंगा बट उससे पहले आप लोग एक बार चेक करो ये रहा Realme UI 4.0 का नोटिफिकेशन पैनल। और अगर अब आप लोग Realme UI 5.0 का एक्चुअल में नोटिफिकेशन पैनल चेक करोगे तो वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंस आप लोग मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे तो भाई एक भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला कि भाई नोटिफिकेशन पैनल जो है Realme UI 5.0 के फर्स्ट इंडियन अपडेट के अंदर Realme ने वो चेंज किया हो। अब नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है कि चेंज हो जाए लेकिन अभी तक जो अपडेट आया है उसमें जो नोटिफिकेशन पैनल है वो चेंज नहीं हुआ है। अब दोस्तों बात की जाए अगले चेंजेस के बारे में तो वो चेंजेस आपको मिलेगा सेटिंग्स के अंदर वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन के अंदर AOD में। अगर आप लोग Realme UI 4.0 का AOD का सेक्शन देखें तो ये भी आप लोगों को सेम टू सेम Realme UI 5.0 जैसा ही देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो AOD के विजिट्स हैं वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं एंड इनका डिजाइन भी अलग है। लेकिन जो आप लोगों को Realme UI 5.0 का अपडेट देखने को मिला इसमें AOD को ऑन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो नए AOD के स्टाइल्स हैं वो देखने को मिल चुके हैं। जहाँ पहला रहा कार्बन फुटप्रिंट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा एक प्लांट का और तीसरा आप लोगों को देखने को मिलता है आइस प्लस प्लांट। इनको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को होमलैंड एंड इनसाइड साथ में डिजिटल क्लॉक का जो फीचर है वो भी देखने को मिलता है एंड ये पूरा का पूरा वन प्लस का जो क्लॉक विजिट है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये फीचर भी अब Realme ने अपने UI के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है। बाकी कोई मेजर चेंजेस भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला कि भाई AOD के अंदर कोई मेजर चेंज हुआ हो। जैसा सेम टू सेम फीचर आप लोगों को Realme UI 4.0 में देखने को मिलते थे वही देखने को मिलते हैं बट सिर्फ जो नए विजिट्स हैं AOD के वो आपको देखने को मिले हैं Realme 5.0 में। अब Realme UI 4.0 और Realme UI 5.0 का जो सिस्टम UI है उसको कंपेयर करते हैं तो Realme UI 4.0 में कुछ इस तरीके का जो बैटरी का सेक्शन है वो आपको देखने को मिलता था और Realme UI 5.0 में भी कुछ इस तरीके का जो बैटरी का सेक्शन है वो आपको देखने को मिला। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखोगे तो आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेम जो फीचर पहले थे अभी भी आप लोगों को वही आइकन वही डिजाइन वही कलर जो है
वो देखने को मिलते हैं। तो कोई यहाँ पर मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। अब बैटरी सेक्शन को चेक करते हैं कि इसमें कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो Realme Y 4.0 के अंदर कुछ इस तरीके का जो बैटरी का सेक्शन है वो आपको देखने को मिलता था। एंड Realme Y 5.0 के बैटरी सेक्शन चेक करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। कोई नया फीचर तो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके फोन में बैटरी हेल्थ का फीचर पहले से है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई UI जो है यहाँ का चेंज नहीं हुआ है। एंड जो स्मार्ट चार्जिंग के फीचर है वो आप लोगों को देखने को मिल चुके हैं, जिससे कि आपके फोन की जो बैटरी है उसका जो लाइफ लाइन है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी स्मार्ट चार्जिंग की हेल्प से। बाकी कोई मेजर UI चेंजेस जो है वो आप लोगों को एंड्रॉइड 14 में देखने को नहीं मिले हैं। वेल, अब Realme UI 4.0 और Realme UI 5.0 के फाइल मैनेजर का जो सेक्शन है उसको कंपेयर करते हैं। बट उससे पहले आप लोग दोनों फोन का जो फाइल मैनेजर का सेक्शन है वो चेक कर लें। ये रहा एंड्रॉइड 14 का फाइल मैनेजर, जिसका वर्जन 14.4.0 है। एंड ये रहा एंड्रॉइड 13 का फाइल मैनेजर। तो चलो अब दोनों को ओपन करता हूं और साइड बाय साइड आप लोग यहां पर देख लो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंजेस रहा एंड्रॉइड 13 में, आपको यहाँ पर क्लीनअप देखने को मिला, यहाँ पर आपको झाड़ू देखने को मिलेगा। बाकी मेजर UI आपके सामने है, कोई चेंजेस यहाँ पर मेजर UI में देखने को नहीं मिलता। एंड दोनों ही फोन में आप लोगों को सेटिंग का बटन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जो क्लाउड ड्राइव एंड जो क्लीनअप के फीचर है, अगर आपने वो यूज नहीं करने तो आप लोग उनको यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। लेकिन जो मेजर UI है इसके अंदर आपको कोई जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिला है एंड्रॉइड 14 में। अगले चेंजेस और कंपैरिजन के बारे में, तो वो रहा स्मार्ट साइड बार का। Realme UI 5.0 के अंदर भी जो स्मार्ट साइड बार का फीचर है वो आपको स्पेशल सेक्शन में देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग ओपन करोगे यहाँ पर जो नया UI है स्मार्ट साइड बार का वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या नए फीचर ऐड हुए हैं, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो तो कुछ इस तरीके का UI जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस UI को Realme UI 4.0 के जो स्मार्ट साइड बार का फीचर है उससे कंपेयर करें, वो भी आप लोगों को स्पेशल फीचर के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोई मेजर चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिलते। जैसा UI पहले था वैसा ही देखने को मिलता है, सिर्फ फीचर को ऊपर नीचे किया गया है। एंड इसी के अंदर आप लोगों को जो स्मार्ट फंक्शंस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप लोगों को जो बैकग्राउंड का फीचर देखने को मिलता है, YouTube को आप लोग बैड में प्ले कर सकते हो, वो तभी चलेगा अगर आप लोगों ने ये फीचर या स्मार्ट फंक्शन वो ऑन करके रखे होंगे। Realme UI 5.0 के अंदर भी स्मार्ट साइड बार में कोई ऐसा मेजर फीचर UI के अंदर जो चेंजेस है वो आपको देखने को नहीं मिला है। अब Realme UI 4.0 और Realme UI 5.0 का जो अबाउट सेक्शन है उसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर भी कोई मेजर चेंजेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों UI बिल्कुल सेम है। अगर आप लोग दोनों को भाई गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वही पैनल जो पहले थे अभी भी वही पैनल देखने को मिलते हैं, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी कोई चेंजेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो एंड्रॉइड 13 का हो चाहे वो एंड्रॉइड 14 का। अब अगले चेंजेस और फीचर की बात करें जो Realme UI 5.0 में देखने को मिले हैं, वो मिलेंगे आपको कैमरा सेक्शन के अंदर। बट सबसे पहले हम लोग Realme UI 4.0 और Realme UI 5.0 जो कैमरा ऐप है इनका वर्जन चेक कर लें। ये रही Realme UI 5.0 की कैमरा ऐप का वर्जन और ये रहा Realme UI 4.0 की कैमरा ऐप का वर्जन। अब हम दोनों को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो इंटरफेस है दोनों का वो आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। कोई यहाँ पर ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे आप लोग पैनल को नीचे करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो नए फीचर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो Realme UI 5.0 के अंदर आपको ऑटो HDR, इंटरवल एंड सेटिंग टाइमर के जो फीचर हैं वो बार के अंदर देखने को मिलते हैं। एक आइलैंड्स आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर ये फीचर देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों को पूरी बार देखने को मिलती थी। अगर हम लोग पूरे UI को कंपेयर करें और एक बेस्ट UI की बात करें कैमरा का, तो वो आप लोगों को Realme UI 5.0 का देखने को मिलेगा। बाकी और भी UI के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उन चेंजेस को ओपन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर। एंड वो सभी चेंजेस जो है वो आपको वाटरमार्क एंड यहाँ पर इसके अंदर कैमरा के फीचर्स हैं इनके अंदर देखने को मिलते हैं। Realme UI 5.0 के अंदर काफी सारे कैमरा के फीचर ऐड हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर जो ड्यूल वाटरमार्क है वो देखने को मिल जाती है एक मेकअप के, जो मुझे काफी अच्छा लगा। मिरर सेल्फी का फीचर देखने को मिल जाएगा, शूटिंग मेथड आप लोग चेंज कर सकते हो, और भी फोकस लॉक, हाई एफिशिएंसी वीडियो, वॉल्यूम बटन, क्विक लॉन्च, ये जो फीचर्स हैं वो आप लोगों को कैमरा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कैमरा के अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट जो है वो आपको Realme UI 5.0 में देखने को मिलेंगी। एंड जो फीचर है वो भी Realme ने नए ऐड किए हैं। वेल, ये था एक्चुअल में Realme UI 4.0 और Realme UI 5.0 का कंपैरिजन। फीचर के बारे में डिटेल मैंने आपको बता दिया, क्या कुछ नया ऐड हुआ है, क्या कुछ पुराना है, सब आपको बता दिया। अब अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि भाई Realme UI 5.0 के अंदर Realme ने कोई काम किया है। बस हल्के से विजुअल चेंजेस करके हमें चिपका दिया Android 14 के साथ,
बाकी कुछ भी हमें जो एक मेजर अपग्रेड जो है यूआई का वो देखने को नहीं मिला है Realme UI 5.0 में। अगर आपके फोन के अंदर Realme UI 5.0 नहीं आएगा तो अच्छी बात है कि भाई उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिले हैं, सिर्फ नाम का 5.0 है, बाकी कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी जो फीचर आए हैं Realme UI 5.0 के, उनको अगर आपने Realme UI 4.0 में यूज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो सिंपली सिस्टम ऐप्स को अपडेट करके। अब सिस्टम ऐप को अपडेट करना बहुत ही आसान है, नीचे डिस्क्रिप्शन में Realme सिस्टम ऐप अपडेट Instagram चैनल का लिंक मिलेगा, फाइल सेक्शन के अंदर आपको सभी Realme Oppo OnePlus फोन्स की जितनी भी फाइल्स के अपडेट आते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सिस्टम ऐप्स को अपडेट करके आप लोग जो जितने भी फीचर्स हैं अपकमिंग Realme UI 5.0 के उनको अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, ये था Realme UI 5.0 एंड Realme UI 4.0 का कंपैरिजन। बाकी Realme UI 5.0 और Android 14 को अच्छे से यूज किया और यूज करने के बाद इतना ही बोलूंगा, मुझे कोई भी मेजर अपग्रेड जो है Realme UI 5.0 नहीं लगा। बाकी अगर आपने अपने फोन में इंस्टॉल करके यूज कर रहे हो तो कमेंट करके जो बताना आपको Realme UI 5.0 कैसा लगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।